మీ సొంత స్థలంలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మించుకోండి సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా వార్షికోత్సవ ఆఫర్స్ తో కేవలం 1339 రూపాయలకి ప్రైస్ 50 పూర్తి బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ తో మరియు ఉచితంగా పొందండి 300 ఫీట్ బోర్వెల్ ప్లస్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్లాన్ ప్లస్ ఫాల్స్ సీలింగ్ త్వరపడండి ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 31 వరకు మాత్రమే ఇప్పుడే కాల్ చేయండి సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333 తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెంగళూరు సౌత్ జోన్ డీసీపీ డాక్టర్ గజారావ్ భోపాల్ ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में याकूतपुरा मेट्रो रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर कॉटन सर्च की गई है। इस कॉटन सर्च का मकसद अहम ये था कि वाइटनर, ड्रग्स और गांजा को पूरा मुकम्मल शहर हैदराबाद नहीं तेलंगाना रियासत से पूरा ख़त्म करने का मकसद ही तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर का है। इस चीज़ का खुलासा साउथ जोन DCP ने किया है। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन DCP ने बताया है कि कार्टन सर्च रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में याकूतपुरा मेट्रो MMTS रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर पूरी रैन बाजार की टीम और साउथ जोन के तकरीबन पुलिस की टीम के मौजूदगी में ये कार्टन सर्च की गई है। ख़ास करके नौजवान बच्चों से बुलाकर काउंसलिंग की गई है कि गांजा, वाइटनर और ड्रग्स को मुकम्मल हैदराबाद और तेलंगाना रियासत से ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए इस सारे तफसीलात बताए हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सईद खादरी की खास रिपोर्ट। तेलंगाना सरकार ने ड्रग्स पर जंग की ऐलान की। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का ये मकसद है कि तेलंगाना में कहीं भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हो और इसकी कंट्रोल करने के लिए पूरी हुकूमत पूरी ताकत से कोशिश करे। इसी वास्ते हम साउथ जोन में पहले जब ये ड्राइव शुरू हुआ था उससे पहले कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे ये ड्रग्स स्पेशली गांजा का इस्तेमाल होता था, छोटी सी कारोबार भी होता चलता था रिटेल क्वांटिटी में। ख़ास करके जो नेगलेक्टेड प्लेसेस है MMTS स्टेशंस और फ्लाईओवर्स के नीचे जो इलाका है वहाँ पे थोड़ी आइसोलेटेड प्लेसेस है, वहाँ पे पहले कुछ उसका इस्तेमाल होने की खबर मिली और हम पिछले 2 महीने से इन पर कॉन्सनट्रेट करें और ऐसी पूरी जगह को ऐसी इलाका को हम पूरी गांजा इस्तेमाल करने वालों से पूरे यहाँ से कंट्रोल भी किए। ख़ास करके MMTS स्टेशन, क्योंकि जब से कोविड आया रिसेंटली 1-2 महीने पहले तक MMTS ट्रेना नहीं चले, इसलिए ये पूरी आइसोलेटेड हो गई। यहाँ पे कुछ लोग आके इतने करते थे, इसीलिए हम उस पर पिछले 2 महीने से पूरी इस पर नज़र रखे और यहाँ पे इस कंजम्पशन को पूरी तरह से कंट्रोल भी किए। सर, आज की स्पेशल ड्राइव में कुछ गांजा या ड्रग्स पे आज नहीं मिला? आज पूरे चेक किए यहाँ पे, आज यहाँ पे गांजा नहीं मिला। सर, टोटल कितने रोडी शीटर्स? और इसके अलावा हम व्हीकल चेकिंग भी किए, जिसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसमें 102 व्हीकल्स जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसको पकड़े और 10 रोडी शीटर्स को भी जो आसपास के इलाके में रहने वाले उनको भी आज काउंसिल किया। सर, गांजा इतना पकड़ने के बावजूद भी फिर वापस सिटी में आ रहा, सर इसके आने की वजह क्या है? देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार इस पे ड्राइव चल रहा है और ज़्यादा इश्यूज में यहाँ कंट्रोल भी हुए। स्पेशली ऐसे जो इलाके हैं जो पहले थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता था, इसमें अब आप भी देख सकते हैं, हम भी पूरे यहाँ पे
एरिया को चेक किए, कहीं भी इसका नहीं हुआ। और रेगुलरली हम यहाँ पे ये ड्राइव्स कर रहे, तो इस जैसे इलाके में अभी तक तो कंट्रोल हो गया। थैंक यू।